तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज इन माय चैनल स्मार्ट वॉच क्लब। फ्रेंड्स, क्या होगा जब हम इस स्मार्ट वॉच TZ09 से ये OTG कनेक्ट करेंगे और उसके साथ फ्रेंड्स ये बल्ब को ग्लो करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखते रहें, फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसे जलाने के लिए फ्रेंड्स OTG की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स, और ये स्मार्ट वॉच की और फ्रेंड्स ये USB डेटा केबल की। तो फ्रेंड्स इसे इस तरीके से फ्रेंड्स काट लेना है, ये प्लस और ये फ्रेंड्स माइनस, यही दोनों वायर का फ्रेंड्स हम लोगों को फ्रेंड्स काम है। इसी दो वायर से फ्रेंड्स ये LED बल्ब ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने OTG केबल को इस स्मार्ट वॉच के साथ फ्रेंड्स कनेक्ट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पेन ड्राइव नहीं लगाया, मैंने बस OTG केबल को यहाँ से कनेक्ट किया। देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा स्मार्ट वॉच अभी ऑन है, ये अभी ख़राब नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अब क्या करना है हम लोग को, ये जो USB केबल है इसे फ्रेंड्स हम इसमें लगाएंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने ये लगा दिया, ये वर्किंग पे है स्मार्ट वॉच, कुछ नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स अब हम इसे इस वायर को फ्रेंड्स इस बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फ्रेंड्स ये ग्लो होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव वायर को फ्रेंड्स अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ आप लगा देते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इधर भी फ्रेंड दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, अब दोनों में से किधर भी फ्रेंड्स आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस पॉजिटिव के ऊपर फ्रेंड्स ये कनेक्ट कर लेते हैं और ये जो है फ्रेंड्स नेगेटिव वायर, इसे भी फ्रेंड्स अच्छे से छील लेते हैं। तो देख सकते हो नेगेटिव वायर फ्रेंड्स इसके ऊपर फ्रेंड्स कनेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये बल्ब जो है ग्लो हो गया, हो रहा है फ्रेंड्स। ये कोई फ्रेंड्स फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, हर 100% फ्रेंड्स ये ग्लो बल्ब करता है फ्रेंड्स, ये अगर आप लगाओगे। देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने बस इसी कंपोनेंट से फ्रेंड्स बल्ब को ग्लो किया है, पीछे कुछ फ्रेंड्स लगा नहीं है, ये बैटरी से भी फ्रेंड्स नहीं बढ़ रहा है, ये स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट है, इसी से फ्रेंड्स ये बल्ब ग्लो कर रहा है। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब लाइट ऑफ करके देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें कितना लाइट है। तो मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है, ये मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन है इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग को ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसे इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वायर को नेगेटिव के साथ। तो ये हम फ्रेंड्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑन करता बल्ब को देख सकते हो, यहाँ ऑन हो गया बल्ब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे यहाँ दिखा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स बहुत हल्का लाइट करता है, बहुत फ्रेंड्स हल्का लाइट है, इतना भी लाइट नहीं है कि फ्रेंड्स आप इससे पढ़ सको। ये फ्रेंड्स बहुत हल्का लाइट करता है, यहाँ दिखा सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें बहुत फ्रेंड्स हल्का लाइट यहाँ पर है। अब फ्रेंड्स हम दूसरे बल्ब को चेक करते हैं या इससे बढ़ता है या नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे जो कि फ्रेंड्स 4 वोल्ट का बल्ब है इस स्मार्ट वॉच के साथ, देखेंगे फ्रेंड्स ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। फ्रेंड्स ये बल्ब वर्किंग कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसे आप लोग को ग्लो करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया बैटरी में, देख सकते हो फ्रेंड्स ये वर्किंग कंडीशन का बल्ब है, देख सकते हो फ्रेंड्स ये बल्ब अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स इसे बैटरी को साइड कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स बैटरी को मैंने साइड कर लिया। अब फ्रेंड्स हम इससे फ्रेंड्स ग्लो करते हैं बल्ब, इसे कनेक्ट करके क्या इससे ये ग्लो होता है या नहीं। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ फ्रेंड्स कर लेना है कनेक्ट। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बल्ब है थोड़ा सा भी फ्रेंड्स यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मैंने कनेक्ट इसमें कर दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्रेंड्स यही बल्ब फ्रेंड्स यहाँ पर ग्लो किया था। देख सकते हो फ्रेंड्स इसे फिर से मैं आपको बार कर दिखा देता हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स ओनली यही ये बल्ब फ्रेंड्स अभी यहाँ ग्लो किया था, वही फ्रेंड्स बहुत डिम लाइट है, बहुत हल्का लाइट है, इससे फ्रेंड्स हमारा स्मार्ट वॉच बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये वर्किंग में है फ्रेंड्स देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।